नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ऐसा करने वाला बिहार बना देश का पहला राज्य। नवरात्र के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा, ऐसे करे प्रसन्न। नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में इस तारीख तक करे आवेदन। गूगल ने 20 लाख यूट्यूब वीडियोस को किया रिमूव। विश्व कप 2023 के अपने चौथे मुकाबले में भारत का बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SFIO में निकली 91 कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल की भर्ती। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय ने लॉ, फाइनेंशियल एनालिसिस, फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभागों में कुल 91 सीनियर कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ऐसे में जो लोग इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक है वो आधिकारिक वेबसाइट sfio.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता निर्धारित की गई है। में से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। ऐसा करने वाला बिहार बना देश का पहला राज्य। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु ई पंचायत पोर्टल लॉन्च किया गया है। बता दें कि इस पोर्टल की मदद से राज्य वित्त संपोषित सभी योजनाओं जैसे सष्टम राज्य वित्त आयोग, राज्य योजना, मुख्यमंत्री निश्चय योजना का अनुश्रवण किया जाएगा। बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अनुपात में राशि आवंटित की जाती है और इस राशि का उपयोग विकास निधि, अनुरक्षण निधि और सामान्य निधि के विभिन्न अवयवों के रूप में किया जाएगा। मालूम हो कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं की राशि वितरण, निकासी एवं व्यय को नियंत्रण करने हेतु ई पंचायत बिहार पोर्टल विकसित किया गया है। बता दें कि ई पंचायत बिहार पोर्टल का वेबसाइट https://prdnischayssoft.bihs.nic.in/egram/default.asp-x# है। हमारी पहचान में आज हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा के बारे में। मृदुला सिन्हा सुविख्यात हिंदी लेखिका के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। इससे पूर्व में वे पांचवा स्तंभ के नाम से एक सामाजिक पत्रिका निकालती रही हैं। मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा मृदुला सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनकी पुस्तक एक थी रानी ऐसा भी की पृष्ठभूमि पर आधारित राजमाता विजया राजे सिंधिया को लेकर एक फिल्म भी बनी थी। बता कि मृदुला सिन्हा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान व दीन दयाल उपाध्याय पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य भी कई सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा इन्हें 2017 में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आचार्य तुलसी कर्तव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृदुला सिन्हा को बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। नवरात्र के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा, ऐसे करे प्रसन्न। आज यानी कि 20 अक्टूबर को नवरात्र का छठवां दिन है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी को सफलता और यश का प्रतीक माना जाता है। इनकी चार भुजाएं हैं जिनमें से एक भुजा में कमल तो वहीं दूसरी भुजा में तलवार धारण किए रहती हैं। इसके अलावा उनकी एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में होती है। ऐसा कहा जाता है कि मां कात्यायनी का शहद को भोग पसंद है। इसके अलावा मां कात्यायनी को पीले रंग के फूल भी पसंद है। मां कात्यायनी के द्वारा महिषासुर नाम के असुर का वध किया गया था जिस वजह से इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। आज से खुलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर आप भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घूमने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस साल VTR में पर्यटन सत्र की शुरुआत आज यानी कि 20 अक्टूबर 2023 से होने वाली है। मालूम हो कि पहले VTR में पर्यटन सत्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होने वाली थी लेकिन लगातार दो दिनों तक बारिश होने के कारण तारीख को बढ़ाकर 20 अक्टूबर 2023 कर दिया गया। वहीं पर्यटकों की सुविधाजनक ठहराव के लिए मुख्य तीन पर्यटन केंद्रों पर साफ सफाई और रंग रोगन आदि की तैयारी
जारी की गई है और साथ ही जंगल सफारी के लिए विभागीय वाहनों के अतिरिक्त निजी वाहनों का भी निबंधन किया जा चुका है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से 3 दिवसीय, 2 दिवसीय और बेतिया मुख्यालय से 1 दिवसीय टूर पैकेज का संचालन किया गया है, जिसमें 3 दिवसीय टूर पैकेज के लिए 4500 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे तो वहीं 2 दिवसीय टूर पैकेज के लिए 3000 रुपए प्रति व्यक्ति और बेतिया से 1 दिवसीय टूर पैकेज के लिए 1200 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे, जिसके अंतर्गत पर्यटकों को परिवहन वाहन के साथ अल्पाहार भोजन, जंगल सफारी, मोटर बोट, इको पार्क, कौलेश्वर झूला, हाथी सेड, गोलघर व्यू पॉइंट, रात्रि आवासन, लाल भितिया, सनसेट पॉइंट, थारू सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई चीजों की सुविधा मिलेंगी। मुख्यमंत्री साइकिल योजना का ऐसे उठायला। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत बिहार के 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 3000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार सरकार की ओर से कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत छात्रा का 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही छात्रा बिहार की स्थायी निवासी भी होनी चाहिए। ऐसे में अगर हम इस योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्राओं की शिक्षा में दूरी बाधा न बने। अगर आप भी उन छात्राओं में से हैं जो इस योजना का लाभ लेने से वंचित हैं, तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर सकते हैं। विश्व कप 2023 के अपने 4थे मुकाबले में भारत का बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत। बीते दिन वनडे विश्व कप 2023 के खेले गए 17वें मुकाबले में टीम इंडिया के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ अपने नाम शानदार जीत हासिल की गई। बांग्लादेश को भारतीय टीम के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मालूम हो कि इस टूर्नामेंट में यह भारत की लगातार 4थी जीत है और अंक तालिका में टीम इंडिया दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम के द्वारा 8 विकेट पर कुल 256 रन बनाए गए, जिसके जवाब में भारत के द्वारा विराट कोहली के शतक के दम पर 41.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 261 रन बना लिए गए और मैच अपने नाम कर लिया। बता दें कि विराट कोहली के द्वारा नाबाद 103 रन बनाए गए, वहीं शुभमन गिल 53 और रोहित शर्मा ने 48 रन का योगदान दिया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट और शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किए। नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में इस तारीख तक करें आवेदन। अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जो नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र छात्रा कक्षा 9वीं और 11वीं में अपना नामांकन करवाने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को नवोदय विद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट navoday.gov.in या cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर जाकर आवेदन करना होगा। इस संबंध में सीतामढ़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय खैरवी के प्राचार्य अंजुम अश्री के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 10 फरवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। दुर्गा पूजा पर पूरे बिहार में अलर्ट जारी। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और आज दुर्गा पूजा का 6वां दिन है। ऐसे में दुर्गा पूजा को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही निर्देश देते हुए पुलिस प्रशासन को विशेष चौकसी रखने का कहा गया है। बता दें कि सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में 12,500 सिपाही भेजे गए हैं और साथ ही VSAP की 33 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। सीमा से सटे जिलों पर खास तैनाती से ध्यान रखा जा रहा। इन जिलों में 24 घंटे चौकसी रखी जाएंगी। इन सबके अलावा पुलिस मुख्यालय की ओर से लोगों से कहा गया है कि वह किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं संदिग्ध छवि वाले लोगों की पहचान कर बांड भरवाने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के सभी जिलों में इस तरह का अलर्ट मूर्ति विसर्जन तक जारी रहेगी। बिहार में आज यहां लग रहा नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आज यानी कि 20 अक्टूबर को सिवान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोजगार मेला सिवान के VM हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज महादेव
देवा रोड में आयोजित किया जाने वाला है, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी और जो शाम 4 बजे तक चलेगी। हालांकि इस रोजगार मेला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं निबंधकों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधन कराना अनिवार्य है। निबंधन की व्यवस्था आयोजन स्थल पर भी की गई है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजन कार्यालय या फोन नंबर 7970631150 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे थावे मंदिर के बारे में। थावे मंदिर भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के थावे में स्थित है। मां शक्ति के कई नाम और स्वरूप हैं। भक्तगण उन्हें कई रूपों में कई नामों से पूजते हैं। मां थावे वाली उनमें से एक है। पूरे भारत में 52 शक्ति पीठ है, यह स्थान भी उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि मां अपने अन्य पवित्र स्थान कामरूप असम से यहां आई है, जहां उन्हें मां कामाख्या के रूप में जाना जाता है। मां को सिंहासिनी देवी, रहसु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है। गांव में एक पुराना किला है, लेकिन किले का इतिहास अस्पष्ट है। हथवा के राजा को वहां एक महल था, लेकिन अब यह एक पतनशील अवस्था में है। हथवा राजा के निवास के पास देवी दुर्गा को समर्पित एक पुराना मंदिर है। मंदिर के घेरे के भीतर एक अजीबोगरीब पेड़ है, जिनके वनस्पतिक परिवार की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वृक्ष काफी बड़ा हो गया है। मूर्ति और वृक्ष के संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित है। चैत्र के महीने में सालाना एक बड़ा मेला लगता है। यह स्थान सड़क और रेलवे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और भारी भीड़ को आकर्षित करता है। गूगल ने 20 लाख यूट्यूब वीडियोस को किया रिमूव। अगर आप YouTube पर भी वीडियो बनाकर डालते हैं, लेकिन आप अगर YouTube की नीतियों का पालन नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ गूगल की ओर से एक्शन लेते हुए आपके अकाउंट और वीडियो का सफाया भी किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में गूगल के द्वारा एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि सिर्फ 3 महीनों में 20 लाख से ज्यादा वीडियोज को रिमूव किया गया है। बता दें कि सभी वीडियोज की गिनती उन वीडियोज में की गई है जिनके द्वारा यूट्यूब के नीतियों का उल्लंघन किया गया है। मालूम हो कि इससे पहले भी साल 2023 के जनवरी महीने में 19 लाख से ज्यादा YouTube वीडियोस के द्वारा YouTube की नीतियों का उल्लंघन किया गया था। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में हैं जो अपना वीडियो YouTube पर डालते हैं तो YouTube के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। महाबोधि मंदिर में आज आम भक्तों के प्रवेश पर रहेगी रोक, राष्ट्रपति करेंगी प्रार्थना। आज यानी कि 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोधगया पहुंचेंगी, जहां वो यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा राष्ट्रपति को पवित्रता, सच्चाई, अच्छाई, शुद्धता और भक्ति प्रतीक के रूप में विख्यात स्कार्फ भेंट देकर सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में राष्ट्रपति के आगमन और उनकी सुरक्षा कारणों को लेकर गया जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर लोगों से यह जानकारी दी गई है कि आज महाबोधि मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं महाबोधि मंदिर से निकलने के बाद राष्ट्रपति साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर बीते 18 अक्टूबर को बिहार पहुंची थी और वहीं आज यानी कि 20 अक्टूबर उनके दौरे का अंतिम दिन है। दरभंगा में एयरफोर्स के जांबाजों ने आसमान में दिखाया शानदार कारनामा। बीते दिन बिहार के दरभंगा में एयरफोर्स के स्काई डाइवर्स के जांबाजों के द्वारा आसमान में हैरत अंगेज प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि एयरफोर्स की आकाशगंगा टीम के सदस्यों के द्वारा हवाई जहाज में बैठकर आसमान से छलांग लगाई गई और स्काई डाइविंग करते हुए धरती पर सफल लैंडिंग की। वहीं इस दौरान दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि यह कार्यक्रम हमारी मांग थी, हमारे जैसे स्वीकृति करने के बाद टीम को यहां डिस्प्ले करने के लिए गया। उन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं को मिलाकर एक टीम बनाई गई है, जो हर तरह के ऑपरेशन जो हवा में होते हैं उसके लिए निपुण है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहां कुल 10 लोगों की टीम पहुंची, जिसको राहुल झा विंग कमांडर लीड कर रहे हैं। मालूम हो कि आज यानी कि 20 अक्टूबर को दरभंगा के पोलो ग्राउंड में भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आने से फूटा गुस्सा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा में कक्षा 1 से 5 के लिए 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए केवल डीएलएड अभ्यर्थियों के आधार पर रिजल्ट तैयार कर प्राथमिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब इस रिजल्ट को लेकर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध जताया गया है। बता दें कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव के द्वारा कहा गया है कि बीपीएससी के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। परीक्षा से 13 दिन पूर्व
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था। बावजूद इसके बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा कई बार आयोग और शिक्षा विभाग से पूछा गया था कि वह परीक्षा में बैठेंगे या नहीं, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करें। बावजूद इसके उन लोगों को परीक्षा में बैठाया गया और अब बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा छांट दिया गया है। ऐसे में अब बेरोजगार बीएड अभ्यर्थी जिनके द्वारा हजारों रुपए खर्च कर फॉर्म भरा गया, उनका भरपाई कौन करेगा? अब उन्हें उम्मीद है कि इस मामले पर हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। पछुआ हवा के कारण ठंड में होगी बढ़ोतरी। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों मौसम का मिजाज शुष्क बना रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में मौसम खुशनुमा रहने वाला है। हालांकि इन दिनों पछुआ हवा का प्रवाह बढ़ने के कारण लोगों को थोड़ी सिहरन की स्थिति रहने वाली है। प्रदेश में सुबह सुबह लोगों को हल्की हल्की धुंध जैसी स्थिति रहेगी। हालांकि मौसम का मिजाज साफ रहने वाला है। इन दिनों पछुआ हवा के प्रवाह के कारण न्यूनतम तापमान में और भी कमी देखी जा रही है, ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही। बता दें कि सीमांचल के इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आज सिनेमा घरों में पवन सिंह खेसारी लाल होंगे आमने सामने। आज यानी कि 20 अक्टूबर को भोजपुरी के दो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की फिल्म सिनेमा घरों में आमने सामने होने वाली है। बता दें कि एक तरफ जहां खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष तो आज रिलीज होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे रिलीज होने वाली है। ऐसे में इन दोनों सुपरस्टार्स की फिल्म को लेकर इनके फैंस काफी एक्साइटेड है। हालांकि खेसारी लाल यादव की फिल्म 25 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से अब यह फिल्म आज यानी कि 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कलाकारों ने एक दूसरे की फिल्म का प्रमोशन किया है। ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि दोनों सुपरस्टार्स में से किसकी फिल्म ज्यादा कमाई करती है। तेजस्वी यादव ने थावे मंदिर में की पूजा, विकास कार्यों का किया शिलान्यास। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंचे, जहां उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने गोपालगंज पहुंचकर सबसे पहले मां थावे दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ पुजारियों की मदद से पूजा अर्चना की। मंदिर में तेजस्वी यादव को चुनरी भेंट कर स्वागत किया गया। हालांकि इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री नहीं थी। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद तेजस्वी यादव के द्वारा मंदिर का निरीक्षण किया गया और मंदिर के सौंदर्यकरण, सड़क और उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण आदि समेत 2,897 लाख के करीब 19 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन सब के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा थावे के होमगार्ड मैदान में जनसभा को संबोधित किया गया। सीएम नीतीश का छलका भाजपा प्रेम। बीते दिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम दिख गया। दरअसल उन्होंने मंच से महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास को दोहराते हुए कहा कि जब तक हम जीवित रहेंगे हमारा आपका संबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि तब हम साथ थे, याद है ना 2005, हमारी दोस्ती तब भी है और आज भी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बात बोलते हुए सामने बैठे नेताओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की से 2007 में देश के विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत की। हमने तभी कहा था कि इसकी स्थापना बापू के चंपारण सत्याग्रह की भूमि पर होगी। 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान जब अधिनियम बना तब से मैं लग रहा। मैं उस समय जो मंत्री थे उनके यहाँ भी गया, उनसे भेंट भी की और आवास पर भोजन भी किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि गया में खोलेंगे, लेकिन हमने चंपारण के लिए कहा। तब जाकर यह तय हुआ कि दोनों स्थानों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। सीएम नीतीश के दोस्ती बयान पर सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा जवाब। बीते दिन सीएम नीतीश के द्वारा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सभी को संबोधित करते हुए बीजेपी के साथ आजीवन दोस्ती को लेकर बयान दिया गया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि अब जेडीयू के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है। अब किसी भी सूरत में जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं आएगी। पार्टी यह बात पहले भी कह चुकी है और अब भी कह रही है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा वह वही जाने, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे पार्टी ने उनके बारे में स्पष्ट निर्णय ले लिया है। अब उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस राजा का हनक खत्म हो गया हो, जिसके राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो, लूटने की छूट दे दी हो, उसके साथ जाने से भी बचना चाहिए। उसामा शहाब की जमानत अर्जी खारिज, भेजा गया जेल।
बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी के दूसरे दिन उनके वकील के द्वारा ACGM 9 अभिषेक कुमार जज के यहां बेल पिटीशन दाखिल करवाया गया था, जिसके बाद बीते दिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए उसामा शहाब की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। वहीं इस संबंध में उसामा शहाब के अधिवक्ता मुन्ना कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोर्ट की भी कुछ मजबूरी थी कुछ धाराओं को लेकर, जिसकी वजह से यहां से बेल नहीं हो पाई, लेकिन अब हम लोग जिला जज के यहां जमानत के लिए अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्दी ही जमानत मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसामा के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव के फुलवाड़ी में 42 कट्ठा जमीन के मामले में हुई फायरिंग और जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिमी को फोन पर धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कोलकाता 1774 में भारत की राजधानी बनी। कश्मीर में 1947 को असैनिक युद्ध आरंभ हो गया। पाकिस्तान ने इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 1962 को युद्ध शुरू हुआ। चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत के अंदर तक प्रवेश की कोशिश की। पाकिस्तान ने 1989 में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ शारजाह ट्रॉफी जीती। भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 2015 को 37 वर्ष की आयु में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का जन्म 1930 में हुआ। नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुदर्शन भगत का जन्म 1969 में हुआ। आक्रामक बल्लेबाज के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का जन्म 1978 में हुआ। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर राय का जन्म 1920 में हुआ। आधुनिक गुजराती साहित्य के कथाकार कवि विवेचक चरित्र लेखक तथा इतिहासकार गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी का जन्म 1855 में हुआ। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा केरल और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल निरंजन नाथ वांचू का निधन 1982 में हुआ। भारत के क्रांतिकारियों में से एक HC दासप्पा का निधन 1964 में हुआ। वर्ल्ड कप में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कई सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच विश्व कप 2023 से पहले बेंगलुरु में हुए विस्फोट से संबंधित गलत सूचना फैला रहे हैं। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। ये तस्वीरें बेंगलुरु के कोडमंगला इलाके के एक कैफे में हुई आग की घटना की है। समाचार देखने वालों के लिए YouTube ला रहा नया फीचर। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो YouTube पर समाचार देखते हैं, तो बता दें कि YouTube एक नया फीचर लाने वाला है जो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। दरअसल YouTube की ओर से न्यूज स्टोरी नाम का एक फीचर लाने वाला है, लेकिन फिलहाल ये फीचर मोबाइल पर आ रहा है, पर जल्द ही यह फीचर TV और डेस्कटॉप पर भी आ जाएगा। मालूम हो कि YouTube का यह नया फीचर ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे Google का न्यूज फीड काम करता है। यानी कि अगर आप एक न्यूज देखेंगे तो यह फीचर आपको इस तरह के दूसरे न्यूज रिकमेंड करेंगे जो कि ऑथराइज्ड चैनल से होंगे और जानकारी सही होगी। यानी कि इस फीचर्स की मदद से झूठी खबर और फेक थंबनेल लगाकर अलग अलग तरह की न्यूज पर भी रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि इस फीचर से ये फायदा है कि आप किसी एक न्यूज को देखेंगे तो आपको तुरंत उससे जुड़ी न्यूज अलग अलग ऑथराइज्ड चैनलों की नीचे दिखने लगेगी। साथ ही लाइव स्ट्रीम, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो आदि भी नीचे फीड में उस सब्जेक्ट से जुड़े आने लगेंगे। इसके जरिए आप उस विषय पर ज्यादा डिटेल जानकारी सही सोर्स से हासिल कर सकते पाएंगे। यानी कि आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या है और आप गलत जानकारी से दूर रहेंगे। प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर बोला हमला। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला बोला गया है। बीते दिन उन्होंने सीतामढ़ी में अपने पदयात्रा के दौरान कहा कि बिहार की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, इनमें 3.5 करोड़ परिवार के लोग यहां रहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 1250 परिवार के लोग ही यहां MP MLA बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके बाबूजी लालू प्रसाद यादव नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनको सलाह दे सकते हैं तो आपको भी सलाह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको भी सलाह दिया जाएगा और संसाधन भी। आइए और समाज में अपनी जगह बनाइए। जनसुराज अभियान चलाया ही इसलिए जा रहा ताकि समाज के अच्छे लोग ढूंढ कर लाए जाएं और समाज का उत्थान किया जाए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए RK सिंह, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी अमित शाह।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आरके सिंह। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिजोरम। अगला सवाल, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन डी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा। अगला सवाल, निम्नलिखित में क्या अष्टमार्ग का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए सम्यक वक्, ऑप्शन बी सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी सम्यक दृष्टि, ऑप्शन डी सम्यक स्मृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्यक चरित्र। अगला सवाल, 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी? ऑप्शन ए बदार खां लोहानी, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी मदन पाल, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदन पाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जोशी, रंजीत सिंह, मोहम्मद फहीम, अनवर करीम खान, रंजन कुमार, सीमा कुमारी, इंद्रदेव यादव, विवेक मिश्रा, विद्या सागर, प्रेमा कुमारी, सदुल्लाह पलवी, जैसिका गुप्ता, हलेश्वर कुमार, राजीव कुमार, अतीक खान, धीरेन्द्र पांडे, पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विश्व कप 2023 में भारत को कौन सी टीम टक्कर दे सकती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।